एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा आज हिसार के एचएयू में राष्ट्रीय इंक्यूबेटर्स कॉलेजियम 2020 का जोरदार आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद थे। साथ ही उपस्थित थे को चेयर डॉक्टर आर के जोरार, कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह, डॉक्टर सीमा रानी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेशनल इंक्यूबेटर कॉलोकियम का कार्यक्रम हुआ है, और इसमें हमारे देश में भी एक जो है स्टार्टअप के लिए एक ही जगह पर उसको उसके आइडियाज़ को लिए, फंडिंग के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए, उसके हैंड होल्डिंग के लिए जितनी ज़रूरत होती है वो एक छत के नीचे मिल जाए। तो दुनिया के अंदर तो इस तरह की स्टार्टअप के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, और हमारे देश में अभी तक कारोबार जो है पूंजी के दम पर लोग करते रहे, दिमाग के तौर पर नहीं करते रहे। अब जो ऐसा लगता है कि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को, जो हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी सरकार, हमारे प्रशासन हैंड होल्डिंग करेगा, उनको रास्ता दिखाएगा, और जो दिमाग के तौर पर नए नए आइडियाज़ लेकर जो कारोबार कर पाएंगे, उससे देश का प्रदेश का विकास होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी हालत में भारतवर्ष के किसान की आमदनी हमको बढ़ाना है, देश की तरक्की, समग्र विकास और साथ साथ लेके चलने के लिए किसान को समृद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी कृषि के विश्वविद्यालय, उसके बाज़ार, उसकी लागत को कम करने के तरीके, उसके लिए अच्छी मंडी उपलब्ध कराना, उसको नए नए ज्ञान का उसको उस तक पहुंचाना, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है खेती बाड़ी को सम्मानित व्यवसाय के रूप में जो है पेश करना, ये हमारी कोशिश होगी। और किसानों को हम कहते हैं कि आप नई नई टेक्नोलॉजी अपनाएं, फसलों का विविधीकरण करें, खेती के साथ साथ पशुपालन की तरफ भी ध्यान दें, मछली पालन की तरफ भी ध्यान दें, और थोड़ा बहुत जो गांव में प्रोसेसिंग हो सकती है प्रोसेसिंग की तरफ भी ध्यान दें। तो नए नए तरीके अपना कर हरियाणा के अंदर हर हालत में किसान की आमदनी बढ़ाएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज सबसे बड़ा मुद्दा है किसान की फसल बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध करवाना। इसके लिए सरकार मसाला की मंडी हो, सेब मंडी हो, फूलों की मंडी के साथ ही साथ कन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाने की योजना बना रही है। साथ ही कम लागत वाली खेती को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नौजवानों को उनकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर स्टार्टअप के माध्यम से उनको रोजगार देने के लिए भी अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान की फसल की मार्केटिंग का है। इसको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए हम नई नई मंडियाँ बना रहे हैं, मसाला की मंडी के लिए, फूल की मंडी के लिए, एप्पल की मंडी के लिए, और कन्नौर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी मंडी बनाने के लिए, और कम लागत की खेती करने के लिए जो प्राकृतिक खेती करते हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने बूढ़े करते आए, उस विद्या को भी हमने दोबारा से लोगों तक पहुँचाना है, और फसलों का विविधीकरण, डाइवर्सीफाई करना है। आमतौर पर हमारे यहाँ कपास की, धान की, चावल की, बाजरा की चार पांच मोटी मोटी खेती करते हैं, उनमें जो उत्पादन का सेचुरेशन आ चुका है, तो उसकी बजाय हम बागवानी की तरफ ध्यान दें। और सौभाग्य से हम दिल्ली के पास हैं, दिल्ली एक बड़ा अच्छा उपभोक्ता मार्केट है, उसका लाभ हम उठाएँ। सब्जियों, ताज़ा सब्जियाँ हम दिल्ली को दें, फल दें, और प्रोसेस जो फूड है जो हमारे यहाँ से करके वहाँ तक पहुँचाएँ। तो इस तरफ किसानों को फिशरीज का ज़बरदस्त हमारी संभावनाएं हैं, डेयरी की ज़बरदस्त संभावनाएं हैं, तो हमारे नौजवानों को उनकी ट्रेनिंग देकर और उनको भी स्टार्टअप के रूप में काम करने के लिए हर तरह का सहायता देंगे और किसान की आमदनी बढ़ाएंगे।
वहीं हिसार के 539 गायों की मौतों के विषय पर उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर उन्होंने अधिकारियों से संज्ञान लिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तकरीबन 500 गायों की मौत भी हो चुकी है गौ हरण में। बड़े दुर्भाग्य की बात है और इस पर मैंने सारे अधिकारियों को बोल दिया है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, उनको सब चौकन्ना रहने की जरूरत है। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज़।